और गांव वालों से किस मुद्दे को लेकर के झगड़ा हुआ है? बोलो। हमारे घर और कब हुआ है? 1 तारीख को झगड़ा हुआ है। वो जमीन के लिए, वो जमीन के लिए जो खतरे में हम लोग रहते हैं, वही हमारा घर है। अच्छा, उसमें खाना बनाते हैं, उसमें हमारे परिवार लोग रहते हैं। तो अभी क्या परेशानी है? पुलिस तो आपके FIR दर्ज कर ली आपके तरफ से? हाँ, कर लिए। तो अभी क्या है? अभी भी हमारे परिवार लोगों को धमकी दे रहे हैं, और जहाँ मेरे पति जाते हैं वहाँ पर भी धमकी दे रहे हैं कि जहाँ अकेले पा जाएंगे वहाँ पर मारेंगे। और हमारी माता जी खेत में जाती हैं तो वहाँ पर लोग भी धमकी देते हैं सब लोग की, और हमारी ननद हमें भी धमकी देते हैं कि जहाँ कहीं भी बाहर मिले वहाँ पर मार लो सब लोग। और किसी को चोटें लगी है? हाँ बोलो। मेरे और मेरे माँ को, मेरी ननद को, मेरी दादी को। अच्छा, दादी कौन है? लोगों को चोटें आई है। चलिए, अच्छा। और किसी आपके परिवार में और कोई नहीं था उस समय जब झगड़ा हुआ था? नहीं, कोई नहीं थे मेरे परिवार में। अच्छा, सब लोग कहाँ थे? मेरे पति बाहर गए थे। अच्छा, और घर में कोई सदस्य परिवार? कोई नहीं था, मेरी ननद और मैं सिर्फ थे। और मैं, अच्छा, सिर्फ महिलाएं ही थी घर में? अच्छा, तो वो लोग कितने लोगों की संख्या थी? महिलाएं थी या पुरुष थे मारने वाले? दोनों थे, महिला पुरुष दोनों भी थे। 25-30 लोग थे और 3 लोगों को मारे हैं मिलकर। अच्छा, किससे मारे हैं? लाठी डंडा क्या? गन्ने से, डंडे से, वही वहाँ पर रखा। अच्छा, ईट से भी? ईट से मारे मेरी दादी को लगा। आपका क्या नाम है? बिंद्रावती। बिंद्रावती, चोटे लगी है? सुभावन। आपका क्या नाम है? बजाते की औरत। आपका नाम क्या? अभिषेक। ये सब हमको मारे। कम सुनती है। तीन जन। आपन नाम बताओ। वो झोटा उखाड़ के मारे है मेरे। अम्मा तो नाम सा? राजपति। कहाँ लगा चोट? राजपति शर्मा। चोट कहाँ लागले? उठो देखो। हाँ, कहाँ है? हाँ देखो, इधर। बस बस।